हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहदी जियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो We'll be right back.
Oh,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare
चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान व्रजेश बुद्धेन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बलवो देविद्यादेव मोहि हरि कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रजन रमण मकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल सहाय नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतिशे नमः पंचत्वकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उपस्थित भगवत कथा अनुरागी श्री रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर आयोजित भगवान श्री रामचंद्र की कथा का कथा के तीसरे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार देवी सती के द्वारा कुंभज ऋषि का अपराध हुआ, भगवान का अपराध हुआ। कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी और इस कारण से उन्हें अपने शरीर को त्यागना पड़ गया। देवी सती जब अपने शरीर को त्याग रही थी तो उनके मन में इच्छा थी कि जब भी मैं वरु मतलब विवाह करूं तो किससे करूं? मात्र और मात्र भोलेनाथ से। अच्छा होमवर्क भी था कल का, है ना? क्या होमवर्क था? यज्ञ दक्ष प्रजापति ने कहां आयोजित किया था? कहां पे? हरिद्वार। जगह का नाम हरिद्वार में कौन से स्थान पे? कनखल में। कहां पे? कनखल में आयोजित किया गया था। ठीक। तो जब देवी सती ने अपने शरीर को त्यागा था उस समय देवी सती के मन में हार्दिक इच्छा थी, यही इच्छा थी कि मैं जब भी शरीर लूं, मैं विवाह करूं तो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ से। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय के आठवें श्लोक में कहते हैं क्या? यमयम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेदी कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मरते समय जब हम अपने शरीर को त्याग रहे होते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारा भाव होता है, हमारा अगला शरीर वैसा ही प्राप्त होता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी वृक्ष को देखते हुए किसी वृक्ष से मान लीजिए बहुत प्रेम है, कोई वृक्ष लगाया है उसने और उस वृक्ष को देखते हुए याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है तो उसका अगला जन्म वृक्ष के ऊपर। कोई अपने पति से बहुत प्रेम करता है, शरीर त्यागेगा तो अगला जन्म मनुष्य के रूप में वह पुरुष बन के पैदा होगा। कोई पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी को देखते हुए ताकते हुए शरीर त्यागता है तो अगला जन्म में पत्नी बनेगा। मेरे वचन है, भगवान के वचन है, शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा भरत हरि बहुत बड़े वैरागी हुए, बहुत बड़े वैरागी, पूरे राज्य को त्याग दिया और तपस्या करने चले, जंगल में रहते थे। एक दिन एक हिरण किसी बच्चे को जन्म दी और जन्म करते देते ही वह मर गई। राजा भरतहरि ने देखा और उस बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आया। बड़ा भाव से उसका सेवा करने लगे, बड़े भाव से उसका सेवा करने लगे। धीरे धीरे वह हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन वह हिरण का बच्चा कहीं चला गया, छोड़ करके राजा भरतहरि को चला गया। राजा भरतहरि जो बहुत बड़े वैरागी हुए, अपने राज्य तक को त्याग दिए, अब आज वह एक हिरण में आसक्त हो गए और दिन रात उस हिरण के बच्चे को याद किया करते, धीरे धीरे समय बीती, राजा भरतहरि ने अपना प्राण त्यागा। वह मेरा हिरण का बच्चा कहां होगा, शरीर त्यागा और शरीर त्यागते ही अगला जीवन हिरण का। और फिर क्योंकि तपस्या किए थे, भगवान की भक्ति की थी और भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, फिर उनका अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में हुआ, जिन्होंने आगे बहुत सुंदर भगवान की भक्ति की और फिर भगवान को प्राप्त की। इसीलिए भक्तों देखिए कितना सुंदर बात है, यम यम वापि स्मरण भावत भावम तम 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 क्षमा चाहूंगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवर तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हम जिस भाव में होकर के शरीर त्यागते हैं हमारा अगला स्थान, हमारा डेस्टिनेशन वही होता है। अगर हम भगवान के भाव में होकर के शरीर त्यागे तो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त कर। इस जगत में जो जो व्यक्ति मरते हुए भगवान को याद किया, उसने कभी भी फिर इस कुंठित जगत, ये जो जगत है ना जहां हम लोग रोज दुख भोग रहे हैं, इस जगत को प्राप्त नहीं किया। जिसने भी यहाँ पे शरीर त्यागा भगवान को याद करते हुए, वह फिर कभी भी इस कुंठित जगत में नहीं आया। ये जो दुख, ये जो जगत है, भगवान ने इसको दुखालय बनाया है, दुखालय अशाश्वत, ये दुखालय और अशाश्वत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। व्यक्ति आज बहुत सुखी कल बहुत दुखी, तीन प्रकार के ताप, आदि देविक आदि दैहिक आदि भौतिक ताप हमें सताते रहते हैं, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बरसात कभी भूख कभी प्यास, ये सब इस जगत में सताते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त कर लेता है ना तो फिर उसे ये सारे दुख नहीं सताते। इसलिए हमारा निश्चय होना चाहिए कि हमें कहां जाना है, कहां जाना है, भगवत धाम, भगवान के धाम। तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे, आप कहेंगे प्रभु जी आपने कह दिया मरते वक्त भगवान को याद कर लेंगे तो हम चले जाएंगे, क्या इतना आसान है भक्तों? नहीं। मरते वक्त कहते हैं कि हमारे शरीर में इतना दर्द होता है, जैसे किसी को एक बिच्छू काटे तो कितना दर्द होता है, वैसे एक साथ 1000 बिच्छू काटे तो जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द होता है मरते वक्त। लेकिन वही दर्द को अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो वह दर्द क्या होता है, खत्म हो जाता है और भगवान के दूत आते हैं और लेकर के जाते हैं। तो कहेंगे प्रभु जी फिर तो हम बड़े आसानी से भगवान का नाम ले लेंगे, नहीं ले सकते। क्यों नहीं? क्योंकि प्रयास नहीं। अब कोई बच्चा कहे
ठीक है, पढ़ाई करने से हम पास होंगे तो एक काम करेंगे, एग्जाम में लिखने से पास होंगे तो जब एग्जाम का समय आएगा तो लिख देंगे। लेकिन वह लिख नहीं सकता अगर उसने एक साल पूरा पढ़ाई नहीं किया है, तो अगर पढ़ाई किया है तो लिख देगा, पढ़ाई नहीं किया है तो नहीं लिख सकेगा, नहीं लिख सकेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मालूम है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रयास ही आदमी को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। अभी हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो आ मम्मी पप्पा याद करते हैं। अब मरते वक्त फिर मम्मी पप्पा याद किए तो पुनः इस धरा धाम में आना पड़ेगा और सरना पड़ेगा। सोचिए जन्म लेने में कितनी कठिनाई है। आप लोग थोड़ा विचार करिए कि आप लोगों को 9 महीने के लिए किसी लैट्रिन के टंकी में बंद करके रख दिया जाए, कितना आनंद आएगा। आएगा बताइए, आएगा क्या? नहीं आएगा। सोचिए 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, पेट की गर्मी सहता है, और आजकल की माता सवेरे उठ उठ के चाय पीती है और बच्चा तड़पता है वही गर्म चाय से, और जब उसको पेट के कीड़े काटते हैं तो माता गदगद होती है, मेरा बच्चा लात मार रहा है, लात नहीं मार रहा, उसे कीड़े काट रहे हैं, वह छटपटा रहा है, अंदर दर्द से कराह रहा है, दर्द से कराह रहा है। कितना कष्ट जन्म लेने में कष्ट। और जब वह बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, तो वह दिन रात भगवान, ये कोई छोटे बच्चे की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, ध्यान रखिए, ये सब हम सबकी कहानी है। जब हम गर्भ में थे ना तो हमने भगवान को एक वादा किया था, ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये कोई खेलने वाली बात नहीं है। जब हम सब भगवान के गर्भ में थे, भगवान को एक वादा किया था कि प्रभु प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, मैं जाऊंगा और आपकी भक्ति करना प्रारंभ कर दूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से हम वहां से निकल भी गए, लेकिन क्या हमने भक्ति करना प्रारंभ किया? रात दिन बच्चा वहां तड़पता है, ध्यान रखिए। इसीलिए जब माता गर्भवती होती है ना, मालूम है, उन्हें कहा जाता है कि तीखा मत खाओ, गर्म चीज मत खाओ। आपको पता या नहीं, लेकिन अगर आपके सास से पूछें तो आपको बता सकती है। आज तो मॉडर्न जमाना हो गया है, आज तो मॉडर्न हो गया है जमाना, डॉक्टर के भरोसे जीते हैं, लेकिन पहले बुजुर्गों के भरोसे जिया करते थे और बुजुर्ग सही हिदायत दिया करते थे, नहीं यही करो, और बच्चा उससे जो होता था वह संस्कारी होता था। लेकिन आज आज की क्या स्थिति है, बस माताएं गर्भवती होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं टोटल बेड रेस्ट। अब ससुराल में तो बेड रेस्ट मिल नहीं सकता, कहां लेके जाएंगे, मायके, माइके चल जाती है, बड़ा सा टीवी लगा लेती है और दिन रात रिमोट से बदलते रहती है, लगा रहता है। अब अगर रोमांटिक फिल्म देख रहा है तो बच्चा बड़ा होकर के किसी लड़की को लेके भाग जाएगा, लव स्टोरी देखा तो, फाइटिंग देखा तो बच्चा स्कूल में जाके लड़ाई करेगा, कॉलेज में जाके लड़ाई करेगा, सास बहू वाला सीरियल देखा तब तो और भी घटना, कहते हैं अरे अरे मेरे बच्चे का संस्कार ऐसे खराब हो गया, तूने ऐसे संस्कार उसको दिए हैं। ध्यान रखिए, जो संस्कार एक माता अपने बच्चे को गर्भ में दे सकती है ना, वो कभी भी बाहर आने के बाद नहीं दे सकती। वहां तो बच्चा पर दिन रात प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, यहां से बाहर निकालो, और भगवान की कृपा से वह बाहर निकल भी जाता है, और जैसे ही निकलता है उसके पिताजी बोलते हैं डीजे वाले को बुला,
पहले जब होता था, आप देखिएगा, जब भगवान श्री रामचंद्र जन्मेंगे तो राजा दशरथ कहेंगे अरे ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान कराओ। आज क्या कहते हैं, डीजे वाले को बुलाओ, दारू वाले को बुलाओ, मांस वाले को बुलाओ, पार्टी कर। बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि हमारा बेटा राम बने और हम खुद रावण बन के बैठे हैं, कहां से बनेगा राम। आप सब नहीं, हम सब वह प्रॉमिस जो हम कृष्ण से, हम भगवान से, भगवान श्री रामचंद्र से करके अपनी माता के गर्भ में आए ना, वह हम भूल गए हैं। और आज भगवान की कृपा से यह व्यवस्था हुई है इस गांव में कि इस गांव के लोगों को वह वादा याद आ जाए। ध्यान रखिए, ये आप ये मत सोचिए कि ये सहसा एक एक्सीडेंट से यह कथा ऑर्गेनाइज हो गई कि वरुण जी के मन में इच्छा हुई और ये कथा ऑर्गेनाइज हो गई। ना ना ना, ऐसे कथा कोई नहीं करा सकता। ध्यान रखिए, भगवान की कथा ऐसे कोई नहीं करा सकता, ये भगवान की व्यवस्था होती है। भगवान कहाँ पे अपनी कथा कराना चाहते हैं और किनको सुनाना चाहते हैं ना, ये भगवान की व्यवस्था होती है। लिख लो, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ये व्यासपीठ जो है ना भक्तों, ये व्यास देव जी की पीठ है, यहाँ से निकली हुई एक एक शब्द जो होती है ना, झूठ नहीं होती, प्रमाणिक होती है। वो भी हमारी संस्था श्रील प्रभुपाद की संस्था इस्कॉन से, वहां से तो वक्ता ऐसे शब्द बोलते ही नहीं जिसने जो उसने पढ़ा नहीं। भगवान ये अरेंज करते हैं कि इनके माध्यम से इस प्रकार से ये कथा ऑर्गेनाइज होगी और वहां के लोगों को जिसने जो मुझसे वादा किया है वह याद आएगा। याद करिए वह वादा जो हमने भगवान से किया है अपनी माता के गर्भ में कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। आज यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम उस वादा को याद करें और भगवान की भक्ति प्रारंभ करें। हम भूले हुए हैं, महुआ बीछ रहे थे, अभी तक कोई बात नहीं बीछिए। मैं महुआ बीछने से मना नहीं करता, मैं क्यों मना करूं, ये तो आपका जीवन यापन का साधन है, जो जीवन यापन का साधन है वह सही, ठीक है, करी। लेकिन जो वादा हमने कृष्ण से किया है, जो वादा हमने राम से किया है, उसको मत भूलिए। अगर वह भूल गए ना तो इस जगत में ही भूले रह जाएंगे, कभी भी अपना घर वापस नहीं जा पाएंगे। ध्यान रखिए, यह हमारा घर नहीं है। ये जो जगत आप देख रहे हैं ना, ये हमारा घर हो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा आनंद चाहते हैं और यह जगत हमेशा हमें दुख देता है। बताइए यहाँ पे कौन सुखी है? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। चैलेंज करता हूँ, एक व्यक्ति बता दे कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं या कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, बताइए। हो ही नहीं सकता भक्तों, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है जगत अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत दुखालय है, दुख देने के लिए ही मैंने स्पेशल इसको बनाया है और अशाश्वत है, यह अशाश्वत है। आज यहाँ पे सुख है, थोड़ा सा सुख। एक्चुअली भक्तों होता क्या है ना कि हम दुख को ही सुख समझ लेते हैं, इस जगत में दुख को ही सुख समझ लेते हैं। रेगिस्तान में जब ऊंट दूर कहीं पे नगफनी के कांटे को देखता है तो उसे लगता है कि हरी हरी घास है और उसको जाकर के वह चबाना शुरू करता है, चबाना शुरू करता है और चबाने से क्या होता है, उसके जबड़े जो होते हैं उसमें कांटे लग जाते हैं और उससे खून निकलने लगता है। वह खाते रहता है, खाते रहता है और अपने ही खून को पीते रहता है और उसे लगता है अपने खून को पी पी कर वाह वाह क्या अद्भुत स्वाद है। वैसे ही हमारी स्थिति है, हम अपने शरीर को जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, दिन रात पैसे के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो और पता चलता है ये पैसा हमारा हुआ ही नहीं। थोड़ा ध्यान रखना कल कि कल ये जरूरी नहीं है ना कि अगर हम लोग मतलब आज रात को सोए तो कल सवेरे उठेंगे, क्या गारंटेड है? है गारंटी? कभी भी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी भक्ति तो बुजुर्गों को करने की चीज है। हम लोग अक्सर जब लड़कों को प्रीच करने के लिए जाते हैं तो लड़के कहते हैं बुजुर्गों की करने की चीज है, तो क्या बच्चे नहीं मरते हैं? 5 साल के 10 साल के लड़के नहीं मरते हैं? कोई भी कभी भी मर सकता है, इसलिए जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। और कलयुग में तो बहुत आसान सा उपाय बता दिया भगवान ने भक्ति करने का, क्या? हरे रणाम हरे रणाम हरे रणाम केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरण्यथा।
केवल भगवान श्री हरि का नाम, भगवान श्री हरि का नाम, भगवान श्री हरि का नाम ही है जो हमें इस कलयुग से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए भक्तों, आप सबों से निवेदन है कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। और इस मंत्र के लिए कोई नियम नहीं है, हमने ये वादा करके आया है भगवान से कि हम जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे प्रभु, और अपने धाम अपने घर चले जाएंगे। मैंने अनंत अनंत जीवन ऐसे ही बिता दिए, लेकिन इस बार नहीं बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए, डीजे वाले को बुलाओ, है ना। आप सबों से निवेदन है कि जप करिए। जप करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई भी व्यक्ति खा करके, पी करके, बैठ करके, चलते हुए भी भक्ति कर सकता है। वहीं से करंट लिंक कर रहा है आपका, और वहीं से दिक्कत होता है ना। उसको बांधिए अच्छे से, करंट लिंक करेगा तो फिर डिस्टर्बेंस होगी। हरी हरी, इतने देर तक तो ठीक थी, अभी का एक सौ तो हम यह वादा करके आए हैं भगवान से कि हम प्रभु इस बार हमें मानव शरीर प्रदान करो। हम मानव शरीर में जाएंगे और भक्ति करेंगे और वापिस आ जाएंगे। कृपया मानव शरीर प्रदान करो। और भगवान ने प्रदान भी कर दिया है तो हम उस मानव शरीर में क्या कर रहे हैं? भांग खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। भक्तों ध्यान रखिए, यह शरीर जो है ना, मांस खाने के लिए, गांजा पीने के लिए, शराब पीने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि, बहुत मुश्किल से मिला है यह मानव शरीर। मत सोचिए कि ऐसे ही मिला है, और इसमें कुछ भी कचड़ा हम डालते रहेंगे और हम पार कर जाएंगे। फिर खराब हो गया, आज अभी तक तो ठीक था। तो इसलिए भक्तों, भगवान की भक्ति करिए। और कलयुग में केवल और केवल कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है ना, तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। देखिए, मैं झूठ बोलने के लिए यहां नहीं आया, झूठ बोलने के लिए नहीं आया। जो बोल रहा हूं वो 100% सत्य है। आप या तो आज मान लो, या फिर एक बार मर करके दोबारा शरीर लेकर के मानो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो इसी जन्म में दूसरों की गलती से सीख जाए, ना कि खुद की गलती करे और सीखे। जरूरी नहीं है भक्तों, इसी जीवन में सीख जाइए। भक्तों की बात मानिए और नाम जप करिए। और नाम जप करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं है, कोई विशेष बुद्धि नहीं है। केवल और केवल एक हमें माला चाहिए, और इस प्रकार के माला में हम लोग जप कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप माला ले लेंगे तो आपकी दीक्षा हो जाएगी, नहीं। जैसे भी हो जप करिए। और कोई भी व्यक्ति, वो अगर मांस खा रहा हो, शराब पी रहा हो, फिर भी वह भगवान का नाम जप कर सकता है। जरूर जप करिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जप करेंगे, हमारा जीवन भर का अभ्यास होगा भगवान का नाम लेने का, तो हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएंगे। और क्योंकि भगवान का वादा है ना, यम यम वाप्य स्मरण भावम तव त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेदी कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो व्यक्ति जिस प्रकार का स्मरण करते हुए जाता है, उसे मैं उसी प्रकार का डेस्टिनेशन प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार का स्थान प्राप्त करता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम स्मरण करते हुए त्यागता है ना, तो मैं उसे अपने पास बुला लेता हूँ। इसीलिए भक्तों, भगवान का नाम जप करिए, जरूर जप करिए। और इस माला का कुछ बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिलेगा। आप ये किशन प्रभु हैं, ये इनके पास नाम लिखाइए, जो जो लोग नाम जप करना चाहते हैं। हम लोग अंतिम दिन या फिर बीच में भी यहाँ से व्यास पीठ से ही उनको माला दिया जाएगा। व्यास पीठ के सामने, रामायण के सामने, भागवत के सामने अगर हम संकल्प लेंगे, भगवान हमें मदद करेंगे पूरे जीवन भर नाम जप करने का।
और फिर हम जरूर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। कोई देवी सती की मन में इच्छा थी कि मैं शिव को भरूं, इसलिए उनका दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में देवी मैना के इधर हुआ। नाम क्या हुआ? पार्वती। उसी समय नारद जी वहां पर आए, नारद जी को बुला करके हिमालय ने कहा, थोड़ा मेरी बेटी का हाथ देखिए ना कैसा है। नारद जी देखे बड़े सुंदर, कहते हैं अगुण हमान मात पितु ही ना उदासीन सब संशय सीना। हे पर्वतराज, आपके बेटी में अनेक गुण है, परम गुणवान है, लेकिन इनकी भाग्य की रेखा में एक गड़बड़ है। बोले क्या? क्या बोले महाराज, इसका होने वाला जो पति है ना, इनका जो होने वाला पति है ना, वह अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा। अमान अर्थात आपकी बेटी के होने वाले पति में कोई गुण नहीं होगा। मां तो पितु ही ना, उसका कोई माता पिता नहीं होगा। तो उनके कोई माता पिता नहीं होगा। उदासीन सब संशय छीना। हेलीकॉप्टर उड़ता है आपके स्पीकर में। उदासीन सब संशय छीना, और आपका होने वाला दामाद पर उदासीन होगा, ठीक से कपड़े पहनने का ढंग नहीं होगा। बहुत कुछ बताया, जोगी होगा, जटिल होगा, लंबे लंबे जटाएं होंगे, अकाम होंगे, अमंगल वेश होगा। इतना सुनने पर हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी हो गई। बोले अरे, इतनी सुंदर, इतनी कोमल मेरी बेटी, और इसका होने वाला पति इस प्रकार। अब विचार करो, उस समय नारद जी के स्थान पर आज का कोई ज्योतिष होता तो क्या बोलता? सब ठीक है, एक गड़बड़ है, और उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। कितना पैसा लगेगा? इतना पैसा लगेगा, मैं करूंगा। नारद जी क्या कह रहे हैं? ना। बोले महाराज, इन सब चीज देखिए, ये सारे चीज तो हैं, ये सारे गुण अवगुण तो हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी का विवाह भोलेनाथ से हो जाए, शिवजी से हो जाए, तो ये सारे अगुण गुण में बदल जाएगा महाराज, सारे दूषण भूषण में बदल जाएंगे। लेकिन विवाह भोलेनाथ से करना आसान बात नहीं, उसके लिए मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं मुझे जप करना पड़ेगा, नहीं। अब 5 लाख रुपए दो, नहीं। तो आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी, आपके बेटी को जप करना पड़ेगा, ना कि मुझे। अब बताइए, मैं करूंगा तो तुमको फल कैसे मिलेगा भाई? आज के बहुत लोग कहते हैं ना, इतना पैसा दे दो मैं कर दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बताइए, मैं करूंगा तो आपका कल्याण कैसे? मैं खाना खाऊंगा तो आपका कैसे? अब शास्त्रों में एक अलग बात है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता है, तो पति कोई धार्मिक कार्य करता है तो उसका आधा हिस्सा पत्नी को चला जाता है, लेकिन अब वह फलाना व्यक्ति करे, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, तो वह कैसे करेगा? जी समझना चाहिए, ये सारे कार्य हमें खुद से करने पड़ेंगे। और हमें बड़ा आसान लगता है, चलो 500 रुपए लेकर के पिंड छूट जाए, ठीक हो जाएंगे, हम भी दे देते हैं, लेकिन कोई भी तपस्या खुद से करनी पड़ती है। तब नारद जी बोले, एक उपाय है, आप अपने बेटी का विवाह भोलेनाथ से करो और उनको तपस्या करनी होगी। और दूसरी ओर भोलेनाथ सती के बाद क्या करते? दिन रात भगवान की कथा सुनते रहते, दिन भर दिन रात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दिन रात भगवान का नाम लेना, दिन रात भगवत कथा सुनना, और दूसरा कोई काम नहीं। उसी समय साक्षात भगवान भोलेनाथ के पास आए और कहा कि भोलेनाथ अब कब तक ऐसे कुंवारे घूमोगे, अकेले घूमोगे, अब विवाह कर लो। भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, अब दोबारा क्यों बांधना चाह रहे हैं हमको। तो उस समय उसको मत पकड़ो, टूट जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, विवाह कर लीजिए। तो कहा ठीक है। बोले किससे विवाह करें? बोले देवी सती दूसरा शरीर ले चुकी है पार्वती के रूप में, आप वहां जाइए। उसी समय सप्तऋषि वहां पर आए। शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कहा। बोले परीक्षा ले रहे? कहा बेटी बताओ क्यों तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा शिव को प्राप्त करना है। बोले तुम जानती हो शिव को? अरे बड़ा अमंगल वेश है, ठीक से बाल नहीं बनाता, आज तक कभी सलून नहीं गया, नहाता भी नहीं है अच्छे से, कपड़ा उपड़ा भी नहीं पहनता है, कोट पैंट, उससे तुम शादी करोगी? शेरवानी पहन के नहीं आएगा शादी में वो? बहुत कुछ कुछ बोला, लेकिन पार्वती ने कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुनत रहु कुंवारी। हे सप्तऋषियों, करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रह जाऊंगी अगर भोलेनाथ से विवाह नहीं हुई तो। बार बार जन्म लूंगी और शरीर त्यागूंगी और जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, कब तक? जब तक भोलेनाथ से विवाह नहीं हो जाता। तो सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए यह सुन करके, वापिस आए और कहा भोलेनाथ धन्य हो आप, धन्य हो कि आपको ऐसी पत्नी प्राप्त होने वाली है। अद्भुत, कितनी श्रद्धा है, अद्भुत। भोलेनाथ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बताया बहुत अद्भुत पत्नी है, बहुत बहुत सुंदर पत्नी है। इतना सुन करके भोलेनाथ समाधि में चले गए। अब बताओ अपनी पत्नी के विषय में सुन करके कोई समाधि में जाता है क्या? आज का होता तो अरे उसका व्हाट्सएप नंबर दो ना मेरे को, फेसबुक यूज करती है क्या? दिखाओ दिखाओ क्या आईडी है उसका, इंस्टाग्राम पे तो होगी ही, फोटो दिखाओ। लेकिन भोलेनाथ समाधि में चले गए। नियम है भक्तों, शादी करनी है, शादी से पहले अपने आप को मजबूत करें, उसके बाद शादी करें। भोलेनाथ से सीखना चाहिए। समाधि में चले गए, तपस्या कर लो। आगे तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, उससे पहले इतनी तपस्या कर लो, इतनी भक्ति कर लो कि वहां पे दृढ़ हो जाऊं। इधर तपस्या में चले गए, दूसरी ओर ताड़कासुर नामक राक्षस प्रकट हुआ, स्वर्ग इत्यादि खाली करा दिए, देवतागण बहुत भयभीत हो गए। ताड़कासुर को ऐसा आशीर्वाद था कि उसका जो है उसका वध शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के हाथ में होगा। सारे देवता विचार करने लगे, भोलेनाथ का पुत्र कैसे, वो तो समाधि में बैठे हैं, और समाधि पिछले बार लगी तो कितने दिन के बाद खुली थी बता दी? 87,000 साल बाद उनका तपस्या खुला था। सारे देवता फिर विचार करने लगे, बोले अरे पुत्र तो छोड़ो, अभी विवाह भी नहीं हुआ है, क्या पुत्र की प्राप्ति करेंगे? सभी देवता कामदेव के पास गए, बोले जाइए थोड़ा शिव जी की तपस्या तोड़ करके आइए। और इधर ब्रह्मा जी को हिमालय के पास भेजा, और देवराज ने कामदेव को भोलेनाथ के पास भेजा। कामदेव बहुत सुंदर सुगंधित हवा बहाने लगा, बहुत सुंदर बसंत ले आया, अनेक प्रकार प्रयास करने लगे, सुगंधित शीतल सुंदर पवन बहाने लगे, बसंत ऋषि उत्पन्न कर दिया, काम उत्पन्न हुआ, ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया। लेकिन शिव जी की समाधि नहीं टूटी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ब्रह्मचर्यता भंग होने लगी, लेकिन शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब एक साथ पांच बाण कामदेव ने शिव जी के हृदय में मारे, शिव जी की आंखें खुल गई। आम के पेड़ के पीछे छुपे हुए कामदेव को देख लिया, अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया।
उस समय देवी रति आई भगवान से प्रार्थना की भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अब उसका दूसरा जन्म कहाँ होगा? जब जदुबन से कृष्ण अवतारा हो यही हरण महा महामही भारा। जब द्वापर में द्वापर युग में कृष्ण उत्पन्न कृष्ण प्रकट होंगे तो उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव आएगा। दूसरी ओर देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि फलाने तारीख को हिमालय के यहाँ हिमालय की पुत्री से आपकी विवाह पक्की हो गई है, आप तैयारी शुरू करो। बोले ठीक है। शिव जी ने कहा पितामह आपकी आज्ञा है, ठीक है, मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। धीरे 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 दिन बीता, शिव जी के विवाह की तारीख आ गई। सारे देवता सज धज कर अपने अपने विमान को फूलों से सजा करके हिमालय के यहाँ पहुंचे। सारे देवता सज लिए लेकिन दूल्हे को सजाने के लिए कोई नहीं आया। सब लोग ब्यूटी पार्लर में जा जाके सजे लेकिन भोलेनाथ वहीं बैठे हैं हिमालय में, कोई लेकर के जाने वाला नहीं, कोई सजाने वाला नहीं। उनके गणों ने कहा ये देवता बहुत स्वार्थी है, इतने मेकअप के सामान है इनके पास लेकिन मेरे स्वामी के लिए एक भी नहीं लाया। सब लोग खुद लगा कर पूरा परफ्यूम पाउडर मार के गए हैं, मेरे स्वामी को ऐसे छोड़ दिया जिनका विवाह उनका कोई पूछा रहे नहीं, क्या किया जाए। बोले अरे चिंता क्यों कर दो, हम सजाएंगे हमारे स्वामी को, अगर हम लोग किस दिन काम आएंगे। बहुत सुंदर सजाने लगे। क्या शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सभारा। वही संभोगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सभारा। कंकन पहिरे प्याला, तन पीरी पटके हरी छाला। कुंदन कंकल पहिरे प्याला, तन पीरी पटके हरी छाला। शिवहि शंभु गण कर श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सभारा। शिव जी ने के गणों ने कहा रे हम करेंगे अपने स्वामी का श्रृंगार। एक ने कहा देखो ये देवता लोग जब मेकअप करते हैं ना, जब मेकअप करते हैं तैयार होते हैं ना, तो मेकअप करने से पहले नहाते हैं। हमारे स्वामी को नहलाना चाहिए, मेकअप करने से पहले नहाते हैं तो हमें नहलाना पड़ेगा। एक गण गया और शमशान से ताजा फ्रेश राख लाया और दो बाल्टी राख भोलेनाथ के पट पट गया। किसी ने कहा अरे जब ये देवता लोग सजते ना तो सर पे बहुत सुंदर मुकुट होता है और दूल्हे के माथे पे तो मोर होना ही चाहिए। एक गण आया बोला अरे हटो मैं कलाकार हूं, मैं बनाता हूं। सबको बाजू किया, शिव जी की जटा को लिया, बड़ के दूध को लिया और एक और एक उनके ही जटाओं को बांध कर बहुत सुंदर मुकुट बना दिया। बोले संसार के लोग जब सजते हैं तो अपने गले में बहुत सुंदर हार पहनते हैं। बोले हम भी पहनाएंगे अपने स्वामी को हार। एक गन गया दौड़ करके, बाजू में एक बड़ा सांप पड़ा था, उठा करके लाया, शिव जी के गले में डाल दिया, शिव जी के गले का हार बन गया। तब तक दो गन गए तो छोटे छोटे सांप के बच्चे को पकड़ के लाए और बाजू में डाल दिए तो बाजू बंद बन गए। बोले रे कान में कुंडल भी होना चाहिए। वहीं दो बिच्छू खेल रहे थे, बिच्छुओं को पकड़ा और कान में पहना दिए। बोले एकदम ओरिजिनल कुंडल, बनवाते ना कुंडल बिच्छू की आकृति के वैसा ही कुंडल, और ऐसा हार पहनाया है जो हार खुद ब
खुद एक्टिविटी कर रहा है, चमक रहा है, लाइट की जरूरत नहीं। अमंगल रूप बना करके शिव जी को नंदी के ऊपर सवार करके लेकर शिव जी को मृग शंकर। और वैसे तो इनका नाम शिव है, सभी प्रकार से मंगल करने वाले हैं, लेकिन आज आज का इनका रूप परम मंगल बना दिया है इनके दूतों। समस्त रूपगण देख रहे हैं, इतना सुंदर गांव है, बारात पहुंचे ऐसे ही तैयारी की गई है, वहां पे भी चारों ओर लाइट लगी हुई है और उन लाइट के बीच में पहुंचे हैं, बोल रहे वाह कितना सुंदर अद्भुत गांव है। जब देवताओं ने रुद्र गणों को देखा तो लोग हंसने लगे, गणों को लगा हमारे बारात में लोग कम हैं इसलिए ये देवता गण हंस रहे। देवताओं ने सोचा इस संसार में जितने शमशान हैं सभी शमशान के भूत को फोन करो और तुरंत बुला, तुरंत वहीं से वायरलेस किया गया, दाएं दाएं फ्लाइट लैंड होने लगे, पड़ा पड़ पड़ा पर सभी भूत आग अद्भुत अद्भुत भूत प्रेत पिशाच सबको बुला। रामायणकार लिखते अद्भुत बारात, न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा कभी बारात आया था और न आगे कभी आएगी। यही है, कृपया नीचे ही रखिए आप उधर से। इस प्रकार से बैंड बजने लगे और देवता गण नाच अद्भुत बारात है। बोले कैसी बारात? बोले शिव जी की बारात में अद्भुत लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बहुत सारे मस्तक हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मस्तक ही नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो शरीर नहीं, शरीर है तो पांव नहीं, पांव है तो हाथ नहीं, आंखें नहीं, नहीं तो किसी के बहुत सारे हैं। बैंड बाजे बजने लगे और देवता लोग सिस्टमैटिक बैंड बाजे में ऐसे ऐसे करके नाचते ना बाराती में, ऐसे ऐसे करके नाचते। गणों ने सोचा अरे यार अब्दुल्ले की शादी में बेगाना दीवाना, शादी हमारे स्वामी का, नाच रहे ये लोग, हम लोग नाचेंगे। देवताओं को साइड हम लोग भी नाचेंगे, ये लोग भी नाचने लगे तो देवता लोग खुद ब खुद साइड। अब इनकी नाच अद्भुत रामायण कर वर्णन करते हैं कैसे, कुछ लोग अपनी मुंडी को हाथ में उछाल उछाल के नाच रहे थे, कुछ लोग पांव हाथ फेंक रहे थे ऐसे तो हाथ बहुत दूर चल जाता था फिर पकड़ के लाते, कुछ लोग नाचते नाचते किसी के घर में घुस जाते थे जबरदस्ती पकड़ के बाहर। भगवान ने इशारा किया इंद्र को कि इंद्र शिव जी के जो गण हैं इनको पीछे करो नहीं तो ये गांव वाले भगा देंगे हमें। देवता लोग आगे हुए, कुछ गण पीछे गए, कुछ गण नहीं बोले हम लोग क्यों जाएंगे, हमारे स्वामी का शादी है, तुम लोग पीछे जाओ। बोले अरे नहीं 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 समझोगे तुम लोग,
आज इतने मस्त तैयार हुए हैं तुम लोग कि तुम लोगों को नजर लग जाएगी गांव वालों को, इसलिए पीछे जाने बोल रहे। अच्छा ऐसा है, चले जाता हूँ पीछे, सब लोग पीछे चले गए ना। जहाँ पे शिव पार्वती के इधर खाना बन रहे थे वहां पे कुछ बच्चे लोग परेशान कर रहे थे, बोले जाओ देख कर क्या बारात आई कि नहीं। बोले 10 बच्चे गए और 2 बच्चे ही रिटर्न हो गए, वापिस 2 ही बच्चे आए, 8 बच्चे मूर्छित हो गए, 12 कोई देख। अद्भुत नाच, कुछ लोग अपने माथे को उछाल उछाल कर, कुछ लोग हाथ को फेंक फेंक कर, पांव को फेंक फेंक कर नाच रहे हैं। गांव वाले देख रहे हैं वाह कितनी सुंदर बारात है, क्योंकि देवता लोग आगे आगे थे। देवी मैना आरती की थाल लिए हुए आगे तैयार थे। उन्हें लगा भगवान विष्णु देवताओं को लीड करते हुए आगे आगे जा रहे थे, उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ही हमारा दूल्हा है, तो आरती करने के लिए बढ़ाए। तो देवताओं ने, भगवान विष्णु ने इशारा किया, नहीं 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 मैं बारा मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे है, दूल्हा तो पीछे है। तो सखियां जो है सो देवी मैना को कहने लगी, वाह देवी मैना कितनी भाग्यशाली हो तुम, अगर बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब दूल्हे को तो देखने के बाद पता चलेगा कि वह कितना सुंदर है। 12 द्वार पे आए देवता लोग, बाजू हट गए, गणों को जबरदस्ती भूतों को पकड़ पकड़ के बाजू करना पड़ा, हटाना पड़ा। अब भगवान ने इशारा किया, देवी मैना ये है आपका दूल्हा। और जैसे ही शिव जी को देखा, देवी मैना के हाथों से आरती की थाल नीचे गई। आरती की थाल नीचे, बहुत सुंदर इसका सारस्वत अर्थ किया गया कि आखिर आरती की थाल नीचे क्यों गिर गई, क्यों नीचे गिर गई, क्यों? क्योंकि शिव जी के मस्तक पर चंद्र विराजमान करते हैं, और जिनके माथे पे चंद्र विराजे उनको एक छोटी सी दिया से क्या आरती करना। सब लोग गांव वालों ने, गांव वाले के वरिष्ठ जो लोग थे उन्होंने भोलेनाथ को लेकर के, अन्य बारातियों को लेकर के गांव के बाहर जो पंडाल बनाया था वहां बिठाया। बोले यार भोलेनाथ पूछते हैं भगवान विष्णु से, रिसेट करिए इसको, देखिए क्या हो रहा है। बहुत किर्रा आवाज कर रहे थे, तो उस समय बारातियों को बाहर पहुंचाया गया। शिव जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान आज सब लोग मुझे देख करके गिर क्यों रहे हैं, इतना हैंडसम लग रहा हूं क्या मैं? थोड़ा ध्यान दीजिए इन लोगों के ऊपर, बच्चों को थोड़ा साइड में बिठाइए, बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है और आवाज भी बहुत ही लोग कर रहे हैं, कथा तभी होने देंगे, ये भी गणों से कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी बात, थोड़ी देर बाद जब देवी मैना को होश आया तो कहते कहां है नारद, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि उसने मेरी बेटी के मन में ये शिव नाम का भूत डाल दिया, क्या बिगाड़ा था। तब नारद मुनि आए, बहुत सुंदर शिव और सती के पूर्व जन्म की कथा सुनाया कि देवी मैना ये बहुत देवी सती है, पूर्व जन्म में देवी सती थी, और ये जब भी भरेंगी तो भगवान भोलेनाथ को ही भरेंगी अथवा किसी अन्य को नहीं भरेंगी। कथा सुनने के बाद में सबके मन में शांति छाई और बहुत सुंदर विवाह हुआ, और विवाह के साथ साथ डीजे भी बजा और नृत्य भी हुआ। तो आप लोग भी 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान भोलेनाथ के विवाह में नृत्य करिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे दम मचाए रखते हैं जिसके बारात की कोई वैल्यू नहीं। आज विवाह हुई है 10 साल के बाद खत्म। अरे ये भोलेनाथ और पार्वती का विवाह है जो जन्म जन्मांतर का विवाह। नाचते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाचना होगा तभी ये कथा यहां से आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। राम कथा में अगर प्रवेश करना है, अभी तक तो प्लेटफॉर्म ही बन रहा है, राम कथा में प्रवेश करना है तो नाचना होगा। भले थोड़ा दूर हो जाइए, दुराव बना लीजिए, टीम बना लीजिए, माता जी का टीम, प्रभु जी लोगों का टीम। गांव में लड़के नहीं है भाई, नव युवक कहां गए गांव के। सब लोग आगे आइए और नाचिए डीजे के सामने। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आजा मदन गोपाल हमारे हरि Thank you.
आना राधिका जी को लाना कभी आना राधिका जी को लाना कभी आना राधिका जी को लाना कभी आना राधिका जी को लाना आके चरण में बना हमारे हर कीर्तन में आके मदन गोपाल हमारे हर हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि हम नाचेंगे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे और माताएं भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं हम खाली ताली बजाएंगे सब लोग नाचिए जो भगवान के नाम पे नाचता है ना उसे दुनिया की चक्कर में नहीं नाचना पड़ता है इसलिए सभी भक्त खुल कर दो मिनट तक खाली आजा मदन गोपा हमारे हर Yeah.
और थोड़ा थोड़ा आप लोग मेहनत किया है, इसी तरह आप लोग जरूर भगवान के नाम पे नाचे और डांस करें ताकि दुनिया के चक्कर में नहीं डांस करना पड़ेगा। और सब लोग बैठ जाइए, कल से थोड़ा सा और व्यवस्था बढ़ा करके किया जाएगा, बिछा दिया जाएगा जो कि हमारे माताएं बहने और भक्त लोगों को बैठने में कोई दिक्कत न होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लग रहा है कि माता जी लोग प्रसाद पा के नहीं आए, पर अभी लोग तक टोटल ही नहीं पाए हैं ताकि एक भी उधर से आवाज नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं हमारे माता जी लोग कितना जोर से हरिनाम कह रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा जोर से बोलिए, फिर से देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ा देर प्रभु जी लोग की तरफ से थोड़ा सा आवाज करके बोलेंगे ताकि माताओं लोगों से ज्यादा आवाज होना चाहिए प्रभु जी लोग, ताकि ज्यादा खाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुना नहीं रहा है, हरे कृष्णा ठीक है, बोली बोली हरे कृष्णा। पंडाल के पीछे जिनका बाइक लगा हुआ है कृपया वहां से हटा ले, क्योंकि भीड़ को देखते हुए वहाँ बैठने की व्यवस्था की जा रही है। नीचे जो है दरी बिछाया जाएगा, इसलिए कृपया वहाँ से गाड़ी को साइड कर लें ताकि हम लोग दरी को बिछवा सकें और जो खड़े हैं भक्त तो वो बैठ सकें। धन्यवाद। एक और सूचना कि जो कोई इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग करना चाहते हैं वो अपना सहयोग करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं रसीद लेकर, आप उनसे रसीद लेकर अपना सहयोग राशि चंदा आप दे सकते हैं। धन्यवाद। क्या आवाज बंद नहीं होगा? अब आवाज बंद कर लीजिए आप लोग, बहुत बोल लिए। दिव्य कीर्तन बंद करिए अपना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ का दिव्य विवाह हुआ। अब कल इसको रीअसेंबल करो, 3 घंटे टेस्ट करके देखो दोपहर में कि फिर आवाज करता है क्या। कहां से पता करता है? पता करो, इसको ठीक करो, ये ठीक बात नहीं है। ठीक तो बहुत लंबे देर तक यह उत्सव चला। अब देखिए यहाँ पे डेली उत्सव होगा। आज भोलेनाथ का विवाह का उत्सव, कल क्या है, कल क्या होगा? भगवान का जन्म उत्सव। हरी बोल। और म्यूजिक वालों से निवेदन है कि इसको हटा करके साइड करिए, ये लोग नहीं कर पाते तो खुद से पकड़ के साइड कर दीजिए इनको। सामने रहते हैं तो डांस नहीं हो पाता है, भक्त लोगों को देख नहीं पाते हैं तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हटा दीजिए इसको। और नहीं करे ये लोग तो आप लोग करके उसको हटा दो। ठीक है, एकदम। मैं पहले दिन इंस्ट्रक्शन दिया था कि हटाओ, आप लोग हटाते नहीं है, बात नहीं सुनते, गलत बात है। क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, कल बहुत बहुत बड़ा उत्सव है, कल बहुत देर तक 1 घंटे तक उत्सव मनेगा, केवल नृत्य है ना, केवल डांस होगा। हाँ, गुड बॉय। अच्छा, बोल रहा हूँ बिल्कुल, सब लोग लाना चाहेंगे ना। ठीक है, तो
विवाह का प्रसंग तो भक्तों ऐसे बहुत है। अब शांत हो जाइए माता जी, लोग गीत नहीं गाना है भोलेनाथ के विवाह में, नाचना था नाचे तो नहीं। अब पता नहीं कौन सा गीत गा रहे लोग, ये लोग शादी के गीत गा रहे हैं। थोड़ा सा शांत कराइए इन लोगों को, हमारे वॉलंटियर्स थोड़ा ध्यान रखिए इन सारी चीजों का, और काफी कंजेस्टेड हो रहा है तो पंडाल के बाहर भी दरी बिछा सकते हैं ना, गर्मी का दिन है, पानी हो नहीं रही है, बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कथा जैसे जैसे बढ़ेगी भीड़ बढ़ेगा, भगवान की कथा है। वैसे तो विवाह का प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि पुरुष कभी रोता हुआ अच्छा लगता है नहीं, पुरुष कभी रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, परंतु जिस दिन उसकी बेटी उसके घर को छोड़ता है, जिस दिन उसकी बेटी उसके घर को छोड़ती है, उस दिन पुरुष की शोभा रोने में ही है। और आज इतने कठोर हृदय वाले हिमालय पर्वत पशान भी आज रोने, दोनों हाथ जोड़ करके अपने दामाद के सामने खड़ा होकर हिमालय ने कहा, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्रेम से पाला है, हृदय की टुकड़ा है, आपके यहां रहने से अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी बेटी को क्षमा कर दे। शिव और पार्वती कैलाश बहुत ही सुंदर, शिव पार्वती वापिस लौटे और बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन चल रहा है, प्रसन्न चित्त जीवन गृहस्थ जीवन चल रहा है, बड़े ही प्रसन्न हैं दोनों। उस समय एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए रामायणकार कहते हैं, बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन चल रही थी, एक दिन का घटना का वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन देवी पार्वती शिव जी के पास गई और शिव जी से कहती है, क्या प्रभु, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, याद करिए ये संशय वाली घटना एक बार और हुई थी, किसने संशय किया था, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क ऋषि से, आज फिर वह संशय हो रहा है, किसके द्वारा, देवी पार्वती के द्वारा भोलेनाथ से, प्रभु प्रभु मेरे मन में एक संशय है। बोले क्या संशय, बोले महाराज वही संशय जो मेरे पूर्वजन में थे, क्या संशय है, बोले यदि दशरथ के पुत्र राम भगवान हैं, तो फिर अपनी पत्नी के बिना में भटकते क्यों रहे, अरे भगवान हैं तो समझ जाते तुरंत और अपनी पत्नी को ढूंढ लेते, अपनी पत्नी को ढूंढ लेते, ये कैसा क्यों हुआ, अपने आप ही, और अगर भगवान थे तो समुद्र के ऊपर सेतु बांधे, अरे भगवान तो तुरंत समुद्र को पार कर सकते थे, आखिर क्या बात है, बांदरों से सहायता ली, क्या बात है। अब भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है, इतना क्रोध आ गया कि रावण को मार दिया, अरे बाप रे ये क्या बात है, विनंती कर रहे प्रभु, प्रभु मुझे संशय है, अतः संशय को दूर करने के लिए कृपया मुझे राम कथा सुनाइए, क्या सुनाइए, राम कथा, कृपया मुझे राम कथा सुनाइए, भगवान रामचंद्र के विषय में सुनाइए, जो मो पर परशन सुख राशि जाने ही सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। रामायण जी के प्रथम श्रोता और वक्ता बैठे हैं, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज जी क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप राम कथा सुने, अतः मैं राम कथा सुनाने से पहले राम कथा के प्रथम श्रोता और वक्ता की कथा आपको सुनाया। तब शिव जी
अपनी पत्नी की जिज्ञासा से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए कहते हैं मंगलाचरण करने लगे और कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी बैठे हैं और कैलाश के शिखर पर यह जिज्ञासा शिव जी देवी 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 पार्वती की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर जैसे ही ये जिज्ञासा हुई रामायण कर कहते हैं कैलाश के शिखर के ऊपर दुमदुमियां बजने लगी। इस संसार की सबसे बड़ी जिज्ञासा भक्तों एक गृहस्थ जीवन में देवी पार्वती अपने पति से कहते हैं पति देव कुछ नहीं चाहिए जीवन में बस आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा सुनने की जिज्ञासा देवी पार्वती ने की शिव जी प्रसन्न हो गए शिव जी का मन नाचने लगा और राम कथा सुना मंगल भवन संसार में रहने वाले समस्त जीवों को मंगल प्रदान करने वाले इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो यदि आपका शरण ग्रहण करता है तो आप जगत में रहने वाले व्यक्ति को मंगल प्रदान करते हो प्रभु। जगत में रहने वाले के मंगल को हरने वाले मंगल प्रदान करने वाले दशरथ के पुत्र राम आप हमारे ऊपर कृपा करिए द्रवित मंगल भवन हारी पार्वती प्रिय तुम और आज मैं धन्यादि धन्य हो गई प्रभु प्रिय क्योंकि तुम्हारी समान पत्नी मुझे प्राप्त इस संसार में मेरा और तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं। आज तुमने मुझसे राम कथा पूछी इस
इसलिए दुनिया में तुम्हारे समान मेरा कोई होगा कोई नहीं। जैसे स्वयं गंगा पवित्र है और दूसरों को पवित्र कर रही है, राम कथा सुनने वाला व्यक्ति स्वयं पवित्र हो जाता है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है। देवी, इस संसार में मनुष्यों को बहुत सुंदर कान मिले हैं, लेकिन इतने सुंदर कानों से जो हरि की कथा नहीं सुनते, उनके कान मात्र और मात्र सर्प के रहने के पील के समान है। जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते ना, उनकी आंखें आंखें नहीं, मोर के ऊपर बनी हुई, मोर पंख के ऊपर बनी हुई केवल काल्पनिक आंखें। जिनको ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता ना, वह मनुष्य मनुष्य नहीं, वह जिंदा लाश के समान है। और इतनी सुंदर जीवा मिली है, और उस जीवा से जो भगवान हरि का नाम ना लेना, उसकी जीवा जीव नहीं, उसकी जीवा तो मात्र और मात्र मेढक के समान टर्र टर्र करने वाली मेढक की जीवा। देवी, आज आपने मेरे ऊपर राम कथा सुनने का जो कृपा किया, अद्भुत। जो अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता, वह केवल अपने जीवन को जी रहा है, वह केवल और केवल अपने काल को निमंत्रित कर रहा है। प्रिय जीवा से भगवान के यश का गाना ही और उस व्यक्ति की छाती पत्थर की समान कठोर है जो हरि कथा को सुनकर पी लेने के लिए। देवी, आज आपने मुझे राम कथा सुनने के विषय में कहा है, राम के बारे में पूछा है। देवी, आज मैं आपसे धन्य हो गई। इस प्रकार शिव जी राम कथा की जिज्ञासा सुनकर धन्य हुए और कहते, मंगल भवन हरी, मंगल भवन मंगल कथा सुनने की विषय में जो जिज्ञासा की है, ये कथा सुनकर आपका ही नहीं मेरा ही नहीं, ये कथा सुनकर आपका ही नहीं मेरा ही नहीं, इस संसार में सबका उद्धार होगा। जैसे भगवान के चरण को स्पर्श करके गंगा नदी पवित्र हो गई है, वैसे ही मंगल भवन देवी पार्वती, देवी तुमने जो जिज्ञासा की है संसार के लोगों को पवित्र करने वाली जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा से, इस कथा से संसार में रहने वाले समस्त लोगों का भगवान के प्रति जो संशय है ना, वह सारे संशय दूर हो जाए। आगे कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावा निहारी। इस संसार में समस्त जीवों के भगवान के प्रति कुछ ना कुछ संशय है। अब विचार करिए, 24 घंटा जो भगवान के साथ संग रहते हैं, गरुड़ जी को जब भगवान के विषय में संशय हो सकता है, जब वो भगवान को नहीं पहचान सकते हैं कभी, तो हम और आप अगर भगवान को नहीं पहचाने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है। परंतु भक्तों, जो कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान श्री राम की कथा श्रवण करता है, उसके मन में प्रिय कभी भी संशय रूपी मान नहीं आता। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए,
शिव जी देवी पार्वती को भगवान का कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र इस संसार में प्रकट हुए। देखो उन लोगों को अलग गुट बना के क्या कर रहे हैं। राम कथा, राम कथा कहने लगे सुंदर तरतारी। और कौन से कारण में है भी? किस प्रकार भगवान रामचंद्र प्रकट हुए संसार में वह कह रहे हैं। जब जब हो यही धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म का बढ़ावा होता है। कर ही अनिति जाई ना बर्म। जब आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है उस समय भगवान गो विप्रसुर धीनु गाय ब्राह्मण और देवताओं को हित करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्ञान तो इसमें ज्ञान थोड़ा बड़ा धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए साक्षात भगवान इस संसार में अवतार धारण करते हैं। प्रभु अवतार किसे कहते हैं? मान लो देवी पार्वती प्रश्न कर कहते हैं भगवान भगवान अपने धाम में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा भगवान का जन्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार धारण करते हैं अवतरित होते हैं। कहते हैं भगवान अपने निज कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, निज धाम से उतरते हैं और आते हैं। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु अच्छा बताइए राम ने अवतार क्यों धारण किया? अनेकों कारण रामायण में भागवत में भगवान के आने का वर्णन, परंतु राम कथा के चार कारण बताते हुए शिव जी कहते हैं बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र शनक सनातन सनंदन और सनत भगवान से मिलने गए और जैसे ही भगवान से मिलने गए तो भगवान विश्राम कर रहे थे तो उनके द्वार पर खड़े जय विजय ने इन चतुष्कुमारों को रोक दिया कि रुको महाराज थोड़ा सा रुको। बोले कि हम भगवान से मिलने आए। बोले नहीं अभी नहीं जा सकते। दोनों के बीच में बहुत बहुत बहस चली और उस समय सनकादिकों ने श्राप दे दिया। देखिए सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि तुम लोग असुरों की तरह कार्य कर रहे हो। क्या कार्य कर रहे हो? असुरों की तरह। असुर कार्य क्या करते हैं? वह भगवान से भक्त को मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तुम लोग असुरों की तरह कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर बन जाओ। अब देखिए भगवान के धाम में क्रोध आना, जिस भगवान का धाम शुद्ध सत्व में स्थित है वहां पर क्रोध। भक्तों ये भगवान की इच्छा थी। कहते हैं सनकादिकों को क्रोध आया नहीं, क्रोध दिलाया गया। किसने दिलाया? भगवान ने दिलाया। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा अरे मैं समस्त रसों का भुक्ता हूं। दाश्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सारे रस का तो भोग ही रहा हूं। वीर रस का स्वादन बहुत दिन से नहीं किया, अतः वीर रस का स्वादन करने के लिए मुझे वीर रस का स्वादन करेगा। फिर सोचे अब मेरे साथ वीर रस का स्वादन करने के लिए मेरे जैसा ही कोई पहलवान होना चाहिए ना, किसको लिया? बोले ये दोनों जय विजय ठीक हैं, धाम में खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो इनको ही भेजता हूं, इनसे ही वीर रस करूंगा, इनसे ही पहलवानी करूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से ये सनकादिक आए और इन्होंने भगवान को जय विजय को श्राप दिया। उसी समय भगवान अपने कमरे से बाहर आए, जय विजय प्रणाम करने लगे। प्रभु हम तो आपकी सेवा कर रहे थे और ये चार महात्मा हमें श्राप दे दिया। भगवान ने कहा चिंता ना करो। भगवान ने सनकादिकों से कहा कि आपने इन्हें श्राप तो दे दिया, अब इनको श्राप से मुक्त करने का उपाय बताओ।
बोले प्रभु अब हमने तो दे दिया। आवाज मत करिए माता जी, लोग देखिए आप लोग गप तो घर पे भी कर लेंगे ना, कथा नहीं सुनेंगे तो बेकार हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिए कथा सुनने के लिए आए हैं। क्या जोक चल रहा है वहां पे बताइए थोड़ा हमें भी। वायरलेस माइक दीजिए वहां पे माता जी को, वायरलेस माइक दीजिए। एक दो इधर बैठिए चेयर लेकर के, थोड़ा ध्यान दीजिए वहीं पे बैठिए। कली तो सुना कि कथा नहीं सुनने से कितना अपराध होता है। भगवान को व्यक्ति नहीं पहचान पाता। जब देवी सती नहीं पहचान पाई तो हम तो एक चींटी के समान भी नहीं है, हम कहाँ अपराध करेंगे। सोचो थोड़ा, पांच दिन की तो बची हुई है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो ना क्या जाता है। दो घंटे के बाद मैं भी वहीं बैठ जाऊंगा और सब लोग मिल करके गप करेंगे, ठीक है। प्रभु जी हरि बोल। दो घंटे का स्लॉट बढ़ा दिया जाए, 10 से 12 गप करने का समय, अद्भुत गप चलेगा, ठीक है। उसको लाइव रिकॉर्डिंग कर लेंगे और सुनेंगे बाद में, लेकिन कृपया कथा में गप नहीं करिएगा माता जी। निम्र निवेदन है आप लोगों से, आप माता की समान हो। देखो मुझे डांटना ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर आप कथा में डिस्टर्ब करोगे तो मैं डांटूंगा और बहुत जोर से डांटूंगा, इसलिए बच के रहना। देखा भगवान के कार्य में कौन डिस्टर्ब करता है, क्या कहा सनकादि कौन है आप ही लोग बताओ, कौन डिस्टर्ब करता है थोड़ा जोर से इधर से बताओ, कौन लोग डिस्टर्ब करता है भगवान की कथा में। असुरगण। असुर है क्या? नहीं तो फिर क्यों डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब कर दिया ना 10 मिनट। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था? जीवन मरण के ऊपर विजय प्राप्त करने की चर्चा चल रही थी। प्रभु जी कैसे मृत्यु से बचा जाए। बोले अब इन्हें हम मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन वरदान दे सकते। बोले क्या वरदान? बोले प्रभु अगर ये आपकी भक्ति करे तो 9 जन्म में आपके पास वापिस आ सकते हैं, और अगर आपसे द्वेष करे, दुश्मनी करे तो 3 जन्म में। जय विजय ने सोचा हम लोग 9 जन्म तक वेट नहीं करेंगे, हमें तुरंत हमारे प्रभु के पास आना है, इसलिए हम भगवान से द्वेष करेंगे। और इसलिए जय विजय का सर्वप्रथम जन्म कौन सा हुआ बताइए? चलिए नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पहले क्या बने? बोलिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरा रावण और कुंभकर्ण। और तीसरा दंतवक्र और शिशुपाल। याद हो गए कौन सा पहला जन्म? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरा माता जी, जो लोग थोड़े दिव्य प्रवचन कर रहे थे वहां से, अब बताओ तीसरा कौन बने? माइक दो, एक माइक एक्स्ट्रा रखो उधर देने के लिए, ठीक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण गप कर रहे थे कि हमें छोटी सी बात नहीं आई। हमारी बेटियों ने, आपकी बेटियों ने जवाब दे दिया, आपके बच्चों ने दे दिया। हम बच्चों को रावण राम बनाना चाहते हैं और खुद बन बैठे हैं। अरे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे बहुत तेज हैं यहाँ के, खास करके बच्चियां। बच्चे तो है नहीं, लड़के तो मैं नहीं देखता हूँ गांव में, है इन बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो 3 अवतार इस प्रकार से लिए। तो ये हो गया प्रथम कारण भगवान श्री रामचंद्र का। दूसरा कारण जलंधर और वृंदा का शराब। पूरा आए हुए एक समय की बात, जलंधर नाम का एक असुर हुआ और उनकी पत्नी हुई परम सती वृंदा। वृंदा के साथ विवाह कर लिया और वृंदा के साथ विवाह करके इनकी शक्ति बढ़ गई। वास्तव में जलंधर में इतनी शक्ति नहीं थी, परंतु पत्नी में बड़ी शक्ति थी। ध्यान रखिए पतिव्रता में बड़ी शक्ति होता है। एक पत्नी चाहे तो अपने पति को ऊपर उठा सकती है और चाहे तो गिरा सकती है, डिपेंड है हमारे ऊपर किसको क्या करना चाहते हैं। पूर्व में भक्तों ऐसा होता था,
कि अगर हमारे पति घर से जाएंगे तो हम पर पुरुष का मुख नहीं देखेंगे, यहां तक कि अपने पुत्र तक को नहीं देखती थी। और आज जैसे ही गए, लगाओ ना सलमान खान वाली कोई फिल्म, इसलिए बेचारा पति जो है सो अमरीश पुरी बन जाता है। ध्यान रखना चाहिए, पति जाते ही खुल जाती है मूवी सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन भक्तों नियम है, पति कार्य पे जाए तो पत्नी को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लग जाए। अगर वह यहाँ भगवान की सेवा करेंगे ना तो पति जिस काम के लिए गया है वह सफल होकर के लौटेगा, अन्यथा फेल होकर के लौटेगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने पतियों को सफल बनाना चाहते हैं फेल करना चाहते हैं। जैसे ही जलंधर जाता था युद्ध करने के लिए, देवी वृंदा भगवान की भक्ति में लग जाती थी, भगवान की सेवा में लग जाती थी। और जलंधर इस बात का गलत फायदा उठा करके साधु संतों का ध्यान भंग कराया, देवताओं को दुखी करने लगा, और तब समस्त देवतागण भगवान के पास गए, प्रभु इस जलंधर का आप कुछ करिए, कुछ करना पड़ेगा इसका, है ना, कुछ इस जलंधर का करना पड़ेगा। भगवान ने कहा आप लोग जलंधर को युद्ध के लिए बुलाओ, मैं कुछ करता हूं। भगवान ने कहा जलंधर जीतता है अपनी पत्नी के पतिव्रता के कारण, अतः मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पति पतिव्रत्य धर्म का तोड़ दूंगा। ऐसा ही हुआ, जलंधर सुसज्जित होकर भूमि में निकला और यहां पर भयंकर युद्ध छिड़ा, और उसकी पत्नी भगवान की सेवा में बैठी है। और उसी समय भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास आए। वृंदा ने पूछा पतिदेव आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम में गए थे और जल्दी जल्दी आ गए। और जैसे ही देखा जलंधर के रूप लेकर के भगवान विष्णु ने जैसे ही वृंदा का पतिव्रत्य धर्म तोड़ा, जैसे ही पतिव्रत्य धर्म टूटा, तुरंत जलंधर का सर युद्ध में कट गया और वह सर वहां से उड़ा और वृंदा देवी के मस्तक में गिरा। वृंदा देवी समझ गई ये कोई और है, पूछा कौन हो तू, सच सच बताओ। तब भगवान अपने विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तब वृंदा ने बहुत श्राप दिए कि जिस प्रकार आपने मेरे पति के साथ मेरा विरह कराया है, ठीक उसी प्रकार आपको भी आपकी पत्नी के साथ विरह होगा। जैसे आज मैं अपने पति के विरह में रो रही हूं, वैसे आप अपनी पत्नी के विरह में रोओगे। वृंदा के इस श्राप को भगवान ने सिरोधार्य किया। आखिर भक्त थे, भक्त की बात को कैसे झूठा होने देते। अपना मान टले टल जाए, भक्त के मान न टलते देखा। उसी समय भगवान पत्थर के भी बन गए और बन गए, क्या बन गए, सालिग्राम जी। उसी समय से देवी तुलसी है ना, बिना देवी तुलसी बहुत सारा वरदान भगवान ने दिया देवी तुलसी को कि जब तक तुम्हारा पत्ता 56 भोग लगा, लेकिन उसमें तुलसी का पत्र नहीं तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, गले में तुलसी नहीं तो भगवान धारण नहीं करेंगे, है ना, इसलिए गले में तुलसी पहननी चाहिए। तो ये है अवतार का दूसरा कारण। तीसरा कारण बताते हुए शिव जी कहते हैं नारद मुनि का श्राप। ये सुनते ही पार्वती खड़ी हो गई, बोले ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारद मुनि इनके गुरु थे और गुरु के खिलाफ कोई बोले तो बड़ा गुस्सा आता है शिष्य को, बोले ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है कि नारद मुनि श्राप दे सकते हो, तो परम भक्त है। तो शिव जी हंसते हुए कहते हैं कि देवी भोले बिहेसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को जेहि जस रघुपति करही जब सोतस ते सिछन हो। देवी इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं है, इस दुनिया में भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वह व्यक्ति वैसा हो जाता है।
बोले एक समय की बात, आपके गुरु नारद जी वीणा पर भगवान का नाम लेकर हिमालय पहुंचे और हिमालय के सुंदर वातावरण को देख करके मन भगवान में लग गया, मन भगवान में लग गया और भगवान ध्यान भगवान के ध्यान में स्थित हो गया। हजारों वर्षों की समाधि लग गई और जैसे ही नारद मुनि की समाधि लगी तुरंत देवराज इंद्र को डर लगने लगा, अरे मेरा कुर्सी तो नहीं लेगा, ये कुर्सी वाले को बड़ा डर लगता है, इसलिए नीचे आप लोग बैठे बहुत अच्छा है, कुर्सी पर बैठने से कुर्सी का अगर टांग टूट गया तो गिरना पड़ेगा, इसलिए नीचे बैठना ठीक है। अब देखिए देवराज इंद्र बैठे हैं राजगद्दी पे, डर लग गया, अरे कहीं मेरा नारद कुर्सी तो नहीं छीन लेगा। तुरंत देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा जाओ और नारद मुनि की तपस्या भंग कर क्या। कामदेव आए, बहुत सुंदर वातावरण प्रकट किया, अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करने लगे, लेकिन नारद नहीं विचलित हुआ, बहुत प्रयास किया नहीं टूटा। तब कामदेव थक गए और याद आया वहां पर शिव जी के इधर गया था, शिव जी ने भस्म कर दिया था, फिर कहीं ये भस्म कर दिया तो ये बाबा क्या नहीं करेंगे, भागो भागने लगे, वापस लौट रहे थे तो सोचा चलो एक अंतिम बाण मार दूं। दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी की प्रशंसा करने लगे, बोले आप जैसे महात्मा तो पूरे संसार में कोई नहीं, आप तो शिव से भी महान हो, शिव जी का ध्यान भंग हो गया आप तो हिले भी नहीं, मैं कामदेव आपसे हार गया। जैसे ही इस प्रकार की प्रशंसा हुई भक्तों, नारद जी की ध्यान टूट गई, काम रूपी बाण नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया लेकिन प्रशंसा रूपी बाण बिगाड़ लिया। बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट हुआ। कुछ लोग अपनी पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, पति की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मान सम्मान की आशंका से मुक्त नहीं हो पाते। नारद जी ने कामदेव को विदा किया, लेकिन कामदेव की बातों का असर नारद जी के हृदय में हो गया, मैं बड़ा महान हूं, कुछ कुछ होने लगा। नारद जी वहां से सीधे चले और कैलाश में शिव जी के पास, कैलाश जाकर के शिव जी से बोला और भोलेनाथ ठीक तो है? बोले हाँ नारद ठीक है। कल का पेपर पढ़ा क्या? वो हिंदुस्तान वगैरह पढ़ा था क्या? बोले नहीं। क्या हुआ नारद? दैनिक जागरण पढ़ा होगा? नहीं। अच्छा प्रभात खबर तो बहुत कॉमन होगा, पढ़नी पड़ेगा। आखिर क्या बात है बताओ? अरे कुछ नहीं, वो कामदेव आया था, वो आया था ना, मैंने सुना आपके पास भी आया था आपकी समाधि तोड़ने के लिए, आपकी समाधि तो टूट गई भोलेनाथ, लेकिन मेरे पास आया और मेरी समाधि नहीं तोड़ पाया, मैं एकदम दृढ़ रहा। शिव जी तो सुबद थे, बहुत समझ गए भक्त के मन में मान आ गया है। बोले बहुत अच्छी बात है नारद, कामदेव को जीत लिया आपने, लेकिन एक सलाह दूं? बोली हाँ। बोले ये बात किसी को बताना मत, भगवान के पास तुम बैठे हो और यह बात खुल भी जाए, अवसर भी निकल जाए, फिर भी नहीं बताना। शिव जी ने बहुत सुंदर बात बताई भक्तों, लेकिन जिसके मन में अभिमान आ जाता है ना, वह उल्टा ही सोचता है। बोले ये शिव मेरी प्रशंसा से जलता है, ये हार गया हम जीत गए ना, इसलिए ये जल रहा है, मैं इतना महान। ब्रह्मलोक में गए, पिताजी प्रणाम, खुश रहो बेटा। और न्यूज चैनल देखे क्या आज का? नहीं देखा तो नहीं, कुछ बात है, कुछ विशेष? बोले वो कामदेव आया था मेरे पास तो कुछ कुछ हरा दिया, उस शिव को हरा दिया था उसने, मैंने उसको हरा दिया। जो भी रास्ते में चले, न्यूज चैनल देखा था क्या? पेपर पढ़ा था क्या? फेसबुक पर भी तो ट्रेंड कर रहा था, नहीं देखा? नहीं देखा? और नारद जी धीरे धीरे करके भगवान के पास वे घूम चले गए। भगवान विष्णु ने स्वागत किया, बिठाया और ये लोग ये वहां भी शुरू हो गए। और प्रभु न्यूज पेपर तो आता ही होगा आपके घर पे? बोले नहीं नारद, संसार के कार्य से फुर्सत का है कि न्यूज पेपर पढ़ूं, बताओ। बोले कुछ नहीं प्रभु, वो कल कामदेव आया था, भगा दिया। भगवान समझ गए कि भक्त को अभिमान आ गया है, लेकिन भक्तों जो भगवान की भक्ति हृदय से करते हैं ना,
हृदय के काम क्रोध और अभिमान का नाश भगवान ही करते हैं उनके। भगवान ने उस समय उनकी प्रशंसा की है, वाह नारद बहुत अच्छी बात है, आप जैसा भक्त कहाँ मिलेगा, इतना श्रेष्ठ भक्त हो आप, महात्मा हो। नारद जी वहां से वापस लौट रहे हैं। अब देखिए नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने एक रचना की, सुंदर लीला की। नारद जी वहां से वापस लौट रहे थे, रास्ते में भगवान ने एक बहुत बड़ा राज्य का निर्माण कर दिया और उस राजा का नाम था, उस राज्य के राजा का नाम शीलनिधि। क्या नाम था? शीलनिधि। और उनकी बेटी भी थी जिसका नाम था मिस यूनिवर्स। क्या नाम था? रामायण में आया है विश्व सुंदरी। अब विश्व सुंदरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिस यूनिवर्स ही कहेंगे ना, मिस यूनिवर्स। क्या कहेंगे? मिस यूनिवर्स। अब नारद जी ने देखा, अरे इतना सुंदर राज्य, बोले कुछ दिन तपस्या में गया, नया राज्य बना होगा, चलो देखता हूँ। जैसे ही गए, शीलनिधि ने बहुत सुंदर स्वागत किया, बिठाया और बोला, अपनी पुत्री को भी बुलाया, मिस यूनिवर्स को बुलाया, बोले नारद जी ये मेरी पुत्री है विश्व सुंदरी और इसका कल स्वयंवर है, आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ अच्छा मिल जाए। नारद जी के मन मन होने लगा, अच्छा ये मिस यूनिवर्स है तो मिस यूनिवर्स का दुल्हा भी तो मिस्टर यूनिवर्स होना चाहिए ना, और अभी मेरे जैसा मिस्टर यूनिवर्स कहां मिलेगा, तरोताजा काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, मैं ही तो हूं मिस्टर यूनिवर्स। नारद ने मनी मन विश्व आशीर्वाद दिया, विवाह कल मेरे साथ हो जाए। ये साधु पड़ गया शादी के फेर में। इतना कहकर नारद मुनि ने कहा, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूं। क्या काम था? तैयारी करनी थी शादी की। तुरंत नारद मुनि ने सोचा, बोले मिस यूनिवर्स तो है, मैं भी मिस्टर यूनिवर्स हूं, लेकिन अब इतना जटा जुट बड़ा हुआ है, दाढ़ी उड़ी बड़ी हुई है, अब मेरे से कौन विवाह करेगा, अभी सलून जाऊंगा तो पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, कौन से ब्यूटी पार्लर में पता नहीं, क्या करें क्या करें। बोले काम करते हैं, भगवान को बुला लेते हैं, भगवान तो तुरंत सुंदर बना सकते हैं। बोले ठीक है, बोले भगवान का धाम चलते हैं, लेकिन इतने व्याकुल हो गए, बोले जाने में बहुत समय लगेगा, यही बुला लेता हूँ भगवान को। तुरंत भगवान को फोन किया, भगवान आ गए, मतलब ध्यान किया, फोन मतलब भगवान प्रकट हुए। बोले नारद क्या चाहिए? नारद ने कहा, अब देखिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं विवाह का, डरते हैं ना ना भगवान से, तो कहते हैं प्रभु मैं कैलाश जाता हूँ तो शिव पार्वती बैठे रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे कार्तिकेय गणेश खेलते रहते हैं, बड़ा प्यारा लगते हैं प्रभु, आपका घर भी जाता हूँ तो आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी आपकी चरण सेवा कर रही होती, बड़ा सुंदर लगता है देखकर। बोले नारद क्या क्या बात है? ठीक है। बोले प्रभु मुझे भी अब आप लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि मैं भी गृहस्थ बन जाऊं, ऐसा लगता है कि मेरी भी एक पत्नी हो, पांच दस बारह छोटे छोटे नारद जी हो, वो भी बिना पर लेकर के नारायण नारायण करते रहें, कितना अद्भुत लगेगा ना प्रभु। अब प्रभु विवाह में कोई पाप भी तो नहीं है? बोले नहीं। ठीक है क्या चीज़? बोले प्रभु मुझे विश्व सुंदरी के साथ विवाह करना है, थोड़ा मिस्टर यूनिवर्स बना दो, हैंडसम बना दो, मेरा कल्याण कर दो। क्या कहा? देखिए क्या कहा कि प्रभु थोड़ा मेरा कल्याण कर दो। जे ही विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेदी, दास मैं तोरा, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। क्या हूँ? दास हूँ। अतः मुझे कुछ ऐसा उपाय कर दो जिससे मैं मेरा उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही नारद, ऐसा ही भगवान ने कहा, तुम्हारा जिससे उद्धार होगा वही। भगवान वहां से चले गए। नारद जी दूसरे दिन जाकर के स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा राजकुमार आए थे, उनके बीच में राजा महाराजाओं के पंक्ति के प्रथम मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट चेयर में बैठ गए। बोले होने वाली पत्नी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आए मुझे वरमाला डाल देगी, हम लोग दोनों निकल जाएंगे, ये लोग बैठे रहेंगे, इतना कॉन्फिडेंट था। विश्व सुंदरी अपने हाथ में वरमाला लेकर अपने अनेक सखियों के साथ आई और पहली लाइन में
जहां पर जाना था। प्रारंभ में ही नारद जी को बैठे देखा तो विश्व सुंदरी की नजर जब नारद जी के ऊपर गई तो बहुत क्रोधित हो गई। अब नारद के मन में तो ऐसा था कि भगवान ने रूप दिया तो बहुत सुंदर रूप दिया होगा, बिना आईना दिए देखे भी चले आए थे, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। परंतु भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत थी उनके ऊपर, बंदर का रूप दे दिया था। और जब विश्व सुंदरी ने यह देखा तो भयंकर क्रोधित हो गई, कहते मरकट बदन भयंकर देखी देखत हृदय क्रोध भय देही। मरकट बदन बंदर के रूप को देखकर विश्व सुंदरी को बड़ा क्रोध आया और अपनी सखियों को कहने लगा, ये किसको बिठा दिया यहां सामने, धक्के मारकर इसको बाहर निकालो। ये थोड़ी दूर पर बात कर रहे थे और नारद जी को लगा मेरे विषय में ही बात हो रही है, इशारा कर रही है, मेरे विषय में बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, किसी संत ने कहा, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पूरी कतार को ही, पूरी पंक्ति को ही विश्व सुंदरी ने छोड़ दिया। इसलिए किनके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, ध्यान पूर्वक डिसाइड करके बैठिएगा। कोई गप करने वाला अगर कथा में बैठ जाए तो उससे हट करके बैठो, वो तो अपना तो बर्बाद करेगा ही, तुम्हारा भी जीवन बर्बाद कर देगा, बचना है ना। इसलिए कोई गप करने वाला तो उसको छोड़ दो, तू उधर ही रह, मैं करूंगी, मैं अकेले बैठ के सुनूंगी, उधर जाकर के बैठ के सुनो, लेकिन गप करने वाले के साथ कभी कथा बैठ करके मत सुनो। तो बाजू में शिव जी के दो गण बैठे थे, हंसने लगे। नारद मुनि ने कहा हंस क्यों रहा है, बोले कांच में कभी मुंह देखा है, शादी करोगे थोबड़ा तो देखो। नारद जी जैसे ही पानी में अपना मुंह देखे बंदर का चेहरा। नारद जी को तो पहली चिंता हुई विश्व सुंदरी मुझे छोड़कर के चली गई, दूसरी चिंता हुई ये बंदर का रूप मुझे मिल गया, और तीसरी चिंता हुई कि मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे मिलेगा कि नहीं। चिंता ही चिंता, नारद मुनि पूर्ण क्रोधित, एक और रोना आ रहा है विश्व सुंदरी मुझे छोड़कर के चली गई, और एक चिंता हो रहा है मेरी वास्तविक स्वरूप मुझे मिलेगा कि नहीं, और दूसरी ओर भगवान के ऊपर क्रोध आ गया, बंदर बना दिया। और उससे भी ज्यादा क्रोध तब आया जब देखा भगवान और विश्व सुंदरी विवाह करके जा रहे हैं। ये तो जले के ऊपर नमक का कार्य किया, जैसे किसने याग में घी डाल दिया हो। नारद जी क्रोधित होने लगे, बोलने लगे, आप सबसे बड़े ठग हो, अरे हम आपके विषय में बोलते नहीं है, क्या मतलब है इसका। समुद्र मंथन में अमृत देवताओं को जहर दे दिया, उनको राक्षसों को, कौस्तुभ जी, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी देवी को आपने रख लिया, विष उत्पन्न हुआ तो दे दिया भोलेनाथ को। हम लोग बोलते नहीं, मतलब क्या सोचते हैं आप, अरे इतनी इतनी पत्नियां हैं आपकी, कृष्ण रूप में आप 16,108 विवाह किए हैं, एक छोड़ देते तो क्या हो जाता। लक्ष्मी जी बाजू में ही खड़ी थी, बोले प्रभु बहुत ज्यादा उछल रहा है, बोलो तो श्राप दे दूं इसको, रहने दो। नारद जी बोले अरे तुम क्या श्राप दोगी, मैं श्राप दूंगा, मैं श्राप देता हूं, श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना होगा, भगवान बनकर तो बैकुंठ में बड़े ऐसो आराम से रहते हो, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा तब पता चलेगा, और आपने बंदर का मुझे मुख दिया है ना, एक दिन यही बंदर आपकी सहायता करेगा। नारद मुनि की तीसरा श्राप, जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी से मेरा विवाह कराया है, पत्नी मान चुका था, शादी भी नहीं हुआ था तब तक, जिस प्रकार आपने मेरा मेरी पत्नी से विरह कराया है उसी तरह आपका भी आपकी पत्नी से विरह हो जाएगा। और उसी समय भगवान ने देखते देखते सब कुछ अपनी माया को समेट लिया, राजा सिलनिधि गायब, विश्व सुंदरी गायब, पूरा महल गायब, सब कुछ धुआं धुआं, सब कुछ खत्म। नारद मुनि समझ गए, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, सब कुछ स्वप्न। तब नारद मुनि को ज्ञान आया, मैं नारद अपने आप को इतना महान समझने लगा कि भगवान को श्राप दे दिया, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे क्रोध हो गया, आप मुझे श्राप, आपको श्राप दे दिया, क्षमा करो प्रभु। ये भक्त हैं, गलती हो जाए तुरंत भगवान के शरण में क्षमा कर दो प्रभु। नारद मुनि पूछते प्रभु आपकी सारी इच्छा तो मुझे समझ में आ गई,
सारी इच्छा समझ में आ गई, लेकिन बंदर का मुख, ये बंदर का मुख मुझे क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है? तब भगवान ने कहा, नारद मैंने तूने एक बार बंदर का मुख दे करके पूरे जीवन बंदर बनने से बचा लिया, क्योंकि जिनकी शादी हो गई उनकी स्थिति तो बंदर वाली हो जाती है ना, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बीबी के इशारे पे क्या करेगा बेचारा। इस प्रकार भगवान के अवतार का तीसरा कारण, ठीक है, तो पहला कारण क्या था, सनकादिकों का श्राप, दूसरा वृंदा देवी का श्राप, तीसरा नारद मुनि का श्राप, और चौथा था प्रताप भानु और सत्यकेतु का श्राप। तो इस प्रकार भगवान के अवतार के अनेक कारण, और अब भगवान की कथा किन परिस्थितियों में हुई उसका वर्णन, और भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन हम लोग कल करेंगे। आज की कथा को हम लोग यहाँ पे विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। और आप सभी भक्तों से निवेदन, आप लोग बैठिए बैठिए, अभी कथा खत्म नहीं हुई है, बैठिए 5 मिनट बैठिए, देखिए अभी कुछ स्पेशल बात मैं आपको बताऊंगा। कल क्या होगा, भगवान का जन्म उत्सव है ना, प्राकट्य। अब देखिए इस संसार में जब किसी व्यक्ति का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो हम लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं ना, जाते कि खाली यहाँ जाते, कौन लोग खाली यहाँ जाते बताओ। तब तक कुछ लोगों के मन में इच्छा आ गया होगा, प्रभु जी को चाहिए कुछ, इसलिए बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, भगवान के लिए लाइए। किन के लिए है ना, भगवान के लिए लाइए। क्या लाएंगे, पैसे नहीं, कुछ बना करके, कुछ मिष्ठान, कुछ सब्जी, कुछ अच्छा अच्छा क्या कहते हैं उसको, व्यंजन भगवान के लिए बना करके लाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि वह शुद्ध होना चाहिए, है ना, कुछ बढ़िया सा रसगुल्ला, मतलब जो भी हो, खीर पुआ पकोड़ा, ध्यान रखिए खाली भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, शुद्ध बनाइए, जो भी बनाइए शुद्ध बनाइए, और किसी मिट्टी के पात्र में उसको लेकर के आइए। जितने लोग बैठे हुए हैं हर एक लोग लेकर के आइए भगवान के लिए, एक एक लोग भगवान के लिए लेके के आइए, तो देखिए कितना भोग लगेगा भगवान को, है 100 से भी अधिक आइटम लग जाएगा ना, 56 भोग तो आराम से लग जाएगा ना भगवान को। तो यहाँ पे कल व्यवस्था की जाएगी, भगवान का फोटो रहेगा, मंदिर रहेगा, सामने चौकी रहेगा, आप लोग कुछ कुछ लेकर के सभी लोग से देखिए, ध्यान रखिए हम भगवान को कुछ भी देते हैं ना तो भगवान याद रखते हैं, और उसके बदले हमें रिटर्न कितना करते हैं ना, ये आप एज्यूम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूर सभी लोगों से निवेदन है, अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से 10 लोग आते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति लेकर के आए, नहीं 10 लोग लेकर के आइए, कुछ ना कुछ तो लेकर के आइए, क्या जाएगा। आप फल ला कर, फल ला सकते हैं, और नहीं तो कुछ महुआ का ही आइटम बना करके लाइए। महुआ का लड्डू बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता, तो ऐसा ही कुछ जो भी हो बना करके लाइए। कोई व्यक्ति खिचड़ी ला सकता है, कोई व्यक्ति भगवान के लिए दाल, कोई व्यक्ति चावल, कोई व्यक्ति स्वीट, कोई व्यक्ति खीर, कोई व्यक्ति पूड़ी, कोई व्यक्ति रोटी सब्जी, कुछ भी ला करके ला सकता है भगवान के लिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए शुद्ध हो, लहसुन प्याज ना हो, बर्तन शुद्ध होवे, जिसमें हम खाना खाते हैं वही नहीं, उसी में नहीं लें, है ना, वह सारी चीजें क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग जरूर लेकर के आइए, और आज तो पुराने ही वस्त्र पहन के आ गए आप भोलेनाथ के विवाह में, नए कपड़े पहन के आइए भगवान के विवाह में, ठीक है, सॉरी भगवान के जन्म उत्सव में। तो कल भगवान का जन्म उत्सव और परसों भगवान का विवाह उत्सव, अरे उत्सव ही उत्सव, आनंद करो। वरुण प्रभु ने एकदम 7 दिन तक उत्सव की तैयारी की है, हमारे घर पे शादी विवाह होता है तो 1 दिन 2 दिन उसके बाद तो सब लोग लगते हैं एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सबको मारा गया है, शादी विवाह के बाद देखते हैं कैसे, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भगवान का एक ऐसा उत्सव होता है, आज करो कल फिर देखेंगे नया फ्रेशनेस, नया फ्रेशनेस आप महसूस करेंगे, ये भगवान की, भगवान की महानता है भक्तों, भगवान की कथा की विशेषता है ना। तो जरूर आप लोग जो है सो
नए नए वस्त्र पहनिए सब लोग, और आप लोग भी नए वस्त्र पहनिए और इसको साइड करिए, ठीक है। डीजे को थोड़ा और पावरफुल करिए, आवाज नहीं है उस प्रकार से, वो लोग नाच नहीं पाते हैं। एक दो स्पीकर पीछे भी दीजिए, ठीक है, पीछे तक आवाज आ रही है क्लियर। और सर मुर्म भुला करके जो है ना उसको घर पे छोड़ करके आइएगा, यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है। भगवान के जन्म उत्सव में एकदम क्या कहते हैं उसको, तोड़ करके नाचना है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी आरती होगी, आप लोग आरती लेकर के ही जाइए, बिना आरती लिए मत जाइएगा कोई। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, और एक आवश्यक सूचना, देखिए लीला की व्यवस्था थी लेकिन क्योंकि बच्चे ससमय ग्रीन कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं इसलिए लीला नहीं कराया जा पा रहा है। तो जो बच्चे ड्रामा में लीला में भाग लेना चाहते हैं वे लोग कल 10 बजे 9 बजे जरूर ग्रीन कॉलेज पहुंच जाइए, ठीक है। प्रभु जी बहुत सुंदर लीला की तैयारी कराएंगे और भगवान के जन्म उत्सव के बाद आधे घंटे का लीला दिखाया जाएगा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, बहुत सुंदर झांकी दर्शन होगा, आप लोग जरूर आइए। और सब लोग देखिए, जब हम कथा में आते हैं ना तो हमें बहुत फल मिलता है, लेकिन जब हम दूसरों को लेकर के आते हैं ना तो वो फल हमारा डबल हो जाता है, इसलिए डबल फल जो पाना पाते हैं वह दूसरों को भी लेकर के आइए। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी पहले आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर ही आप प्रस्थान करेंगे। और प्रतिदिन आज से यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि आप में से जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त प्रसाद की सेवा लेना चाहेंगे स्वेच्छा से कि आज का प्रसाद हम देंगे, तो आप स्वेच्छा से ये घोषणा आप कर सकते हैं या आप हम लोग को सूचना दे देंगे, यहाँ से हम घोषणा कर देंगे आपके नाम की कि अमुक दिन अमुक सज्जन का, अमुक भक्त का प्रसाद वितरण होगा। आज से ये व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज भी व्यवस्था प्रसाद की व्यवस्था की गई है और आज प्रसाद की व्यवस्था मनियारपुर निवासी मृत्युंजय कुमार यादव के द्वारा है। आज प्रसाद जो है वो मृत्युंजय यादव के द्वारा दिया जा रहा है, आप इसे सभी लोग उनके लिए हरि बोल बोलेंगे। देखिए हरि नाम, आपको मैं कथा बताऊंगी कल, भगवान के कथाओं में प्रसाद वितरण करने की क्या महिमा है वो हम कल बताएंगे आपको। तो आज जिन्होंने भी किया है उनके लिए एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत अद्भुत कार्य है, भगवान के भक्तों को भगवान की कथा में भगवान का प्रसाद बांटना। मायन जी की राधे राधे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, दिक्मुनि नारद
सनतन को सर बस सारे अंश समस्त सभी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी हरुधर घट शंभु ज्ञानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे सभी लोग गरीबो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Krishna, 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 Krish
राम राम